नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। कानपुर आउटर क्षेत्र के बिधनु थाना पुलिस और स्वाट टीम ने स्कूटी सवार चरस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल से चरस लाकर कानपुर में बेचने जा रहा था। जानकारी के अनुसार घाटमपुर सर्किल की पुलिस फोर्स और स्वाट टीम के साथ शनिवार देर रात साण रोड पर मौजूद थे, तभी टिकरिया मोड़ पर एक स्कूटी सवार युवक आता दिखा। पुलिस टीम ने शव के आधार पर युवक को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम साइदाबाद चमनगंज निवासी वसीम अंसारी बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 5 किलो 340 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। एसपी आउटर ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नेपाल से चरस लाता है, उसके बाद भरात में स्कूटी से कानपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में तस्करी करता है। वह कम उम्र के लड़कों को नशे का आदि बनाकर उनको अपने साथ शामिल कर लेता है। आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट में जेल जा चुका है। वर्तमान में उस पर चमनगंज और बिधनु थाने में 11 मुकदमे दर्ज है, साथ ही वह चमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज एक वसीम अंसारी चमनगंज का रहने वाला है, ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से 5 किलो 340 ग्राम चरस बरामद हुई है। पूर्व में इसके 11 आपराधिक मुकदमे भी हैं इसी तरीके के अपराध के, और इसके बारे में जो इसने बताया है कोई खच्चर गैंग पहले से रजिस्टर्ड है, इस गैंग का ये मेंबर एक्टिव पार्ट रहा है। ये स्कूटी में लेके ये माल आ रहा था और ये चेकिंग के दौरान बिधनु थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। इस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य जो इसके सहयोगी हैं वो अभी तलाशे जा रहे हैं, विवेचना की बाकी गतिविधियाँ की जा रही हैं। इसी तरह से एक राजन नट लड़का है, ये रायबरेली के किसी प्लेस से गांजा ले आता है पिट्टू बैग में रख के। इसकी भी इंफॉर्मेशन एक आई कि ये बड़ी मात्रा में गांजा ले जा रहा है, इससे भी लगभग 16 केजी गांजा बरामद हुआ है। चरस की मार्केट रेट जो बताई गई नार्कोटिक्स के लोगों से बात करके वो 60 लाख के लगभग बताई गई है। गांजा भी 1,20,000-25,000 का कीमत एक्सेस किया गया है। ये दोनों अभी तो गिरफ्तारी हो गई है और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ चल रही है। जो चरस की बात है इसके बारे में जो फर्स्ट हैंड इंट्रोगेशन है वो बताती है कि ये नेपाल से बिहार और बिहार से कानपुर लाते थे और यहाँ से फिर अन्य जगहों को भी देते। अभी बाकी चीज़ें विवेचना की प्रगति के अंतर्गत हैं कि ये कहाँ कहाँ अन्य जगहों पे देते रहे हैं, क्या इनके कोई और सबलेट से छोटे छोटे केंद्र हों जहाँ पे ये देते हों तो वो भी विवेचना में आएंगे। ये पिछले कई सालों से ये कर रहे थे, ये बात जब से हम आए हैं तब से हमको एक संज्ञान में आई थी, तब से हम इनको चेज भी कर रहे थे और दूसरे संसाधनों के माध्यम से भी कोशिश कर रहे थे कि ट्रेस में उसमें से ये कैच है। गैंग के जो मेंबर्स हैं वो 7 से 8 बताए गए हैं जो एक्टिव हैं।